हेलो एवरीवन, मैं अभी जनरल क्लासेस में एक बार आपका फिर स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको एक न्यूज अपडेट देने वाला हूँ और वो जो न्यूज है वो ये है कि स्कूल खुलने की तैयारी है और स्कूल खुलने की तैयारी में जो रणनीति तैयार की गई है वो क्या रणनीति होगी, क्या गाइडलाइन होगी, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। केंद्र सरकार ने रणनीति तैयार कर ली है स्कूल खुलने की और साथ ही केंद्र सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय और एनसीईआरटी के साथ मिलकर ये गाइडलाइन बनाई है। तो कुछ गाइडलाइन के रूल्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब स्कूल स्टार्ट होगी तो क्या गाइडलाइन होगी। उससे पहले मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, वो बात ये है कि पहली से लेकर पांचवी तक के जो छात्र हैं, मतलब फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक की जो क्लासे हैं, वो अभी 3 मंथ तक स्कूल नहीं जाएंगी, उनकी छुट्टियाँ रहेंगी। अभी सिर्फ 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के स्टूडेंट जाएंगे। प्रथम चरण में ओनली 9th क्लास से 12th क्लास के स्टूडेंट ही जा पाएंगे स्कूल, क्योंकि वो समझदार स्टूडेंट होते हैं और वो कोरोना महामारी के बातों को समझ सकते हैं और वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर सकते हैं। तो स्कूल वालों को बहुत गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा और बहुत रूलों को समझाना भी पड़ेगा स्टूडेंटों को, जिससे वो मान सके। पहली बात ये है कि जो कैंटीन है, कैंटीन नहीं खुलेगी। दूसरी बात ये है कि आपको मास्क लगाना अनिवार्य होगा। तीसरी बात ये है कि आपको जो बैचों में आना पड़ेगा, एक सेक्शन बनाए जाएंगे हर क्लास के, 2 बैच 3 बैच 4 बैच 15 से 20 स्टूडेंट के बीच में बैच बनाया जाएगा और एक दिन उस बैच को बुलाया जाएगा, फिर दूसरे दिन की छुट्टी कर दी जाएगी, दूसरे दिन फिर दूसरा बैच आएगा। ऐसे निरंतर स्टूडेंटों का बैच बनाकर उनको बुलाया जाएगा। जिन स्टूडेंटों के बैच की छुट्टी कर दी जाएगी उन्हें घर के लिए होमवर्क दिया जाएगा। तो ये रूल्स होंगे कुछ, और मैं आपको बता देता हूँ। तो पेरेंट्स का कैंपस में आना अनिवार्य नहीं है। अगर पेरेंट्स कैंपस में आएंगे तो वो उसको सैनिटाइजर करके या सभी गाइडलाइंस को गुजार के फिर अंदर प्रवेश किया जाएगा। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि एक स्टूडेंट और दूसरे स्टूडेंट के बीच जो डिस्टेंस है वो 6 फुट का डिस्टेंस रखना पड़ेगा। एक स्टूडेंट बैठा है उसके पीछे आगे जो स्टूडेंट बैठा है उसको 6 फुट डिस्टेंस में बैठाया जाएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है और मास्क तो अनिवार्य होगा ही होगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि रिजल्ट भी बहुत जल्द आने वाला है सभी बोर्डों का। बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ गया है, धीरे धीरे सभी स्टेटों का रिजल्ट आने वाले हैं बोर्ड के। और जो एग्जाम्स हैं जो बाकी हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, जो आरबीएसई बोर्ड की जो एग्जाम्स बाकी हैं, वो भी बहुत जल्दी कंडक्ट कराई जाएगी, उसका टाइम टेबल बहुत जल्दी आने वाला है। सीबीएसई की जो एग्जाम्स हैं उसका टाइम टेबल आ गया है, सभी स्टूडेंट तैयारी में जुटे हुए हैं। तो हमारा जो जनरल क्लासेज है उसमें 2020 की आरबीएसई बोर्ड की तैयारी कराई जा रही है, सभी सब्जेक्ट के वीडियो रेगुलर अपलोड हो रहे हैं। तो आप वहाँ पर जाके जनरल क्लासेज को सब्सक्राइब करके चैनल पे जाएं और वीडियो को जरूर देखें। संबंधित जो स्टडी से रिलेटेड जो वीडियो है उनको देखने के लिए, न्यूज वीडियोस को देखने के लिए और न्यू अपडेट को देखने के लिए जो एजुकेशन से संबंधित होती है, उन सभी अपडेट्स को देखने के लिए आप जनरल क्लासेज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।